तो दोस्तों एक समय था जब किसी को भी पता नहीं था कि ग्रह होते हैं या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो हमेशा ग्रहों की आकृति बनाकर कल्पनाओं में खोया रहता था। महान गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो को सबसे पहले हॉलैंड में बने दूरदर्शी के बारे में पता चलता है। सन 1564 के आसपास इटली के पिसा शहर में जन्मे गैलीलियो ने ही सन 1609 के आसपास ग्रहों के होने का प्रमाण दिया और इस इंसान ने दूरदर्शी का आविष्कार किया। उसी के साथ जड़त्व का नियम भी दिया और गति की समीकरण भी इन्होंने ही ज्ञात किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।